श्री जगदीश गोयिंदी, भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारसद्देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा अधिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माइक दिया गया कॉर्डलेस माइक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्री सुक उवाच शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठ स बभूवः यो वा अंगिरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान् सुकन्या नाम तस्यासी कन्या कमललोचना तया सार्धं वनगतो यगमच्यवनाश्रमं इस तृतीय अध्याय में मनुपुत्र सरजाति का वर्णन किया जा रहा है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सरजाति राजा हुए, ये मनु महाराज के पुत्र हैं। और एक विशेषता यह है कि राजा होते हुए भी, क्षत्रिय होते हुए भी, ये ब्रह्मनिष्ठ राजा थे। वेदों के बड़े विद्वान थे और वेद पढ़ने में इनकी रुचि थी। ब्रह्मिष्ठ स बभूवः, ब्रह्मिष्ठ हो गए। क्षत्रियों का जो कार्य है, राजा का जो कार्य है, उसमें इनकी उतनी रुचि नहीं थी जितना वेद को पढ़ने में इनकी रुचि थी। वेद निष्ठ थे, उसको ब्रह्मिष्ठ कहते हैं। ब्रह्मिष्ठ का अर्थ होता है ब्रह्म में जो स्थित है, वेद में जो स्थित है। और इसका ये प्रमाण दे रहे हैं कि अंगिरा गोत्र के ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें यज्ञ में जो द्वितीय दिन का वेद मंत्र आदि था, जो कुछ कर्म कराना था, उसको ये कराए थे राजा होकर। तो वे अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण जन, मुनि जन भूल गए द्वितीय दिन का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या मंत्र पढ़ना और सब क्रियाएं भूल गए। तो इन्होंने बताया था। तो इस तरह से महाराज मनु के अनेक ऐसे पुत्र हुए जिनमें ब्राह्मण का गुण था, वेद निष्णात थे। महाराज शर्याति एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं। महाभारत में इनकी कथा है बड़े विस्तार से। इनकी और भी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ किया, दान दिया। तो इनके पुत्रों की कथा अंत में कहेंगे, पहले इनके कन्या की कथा सुनिए। सुकन्या नाम तस्या से कन्या कमल लोचना, तस्य सर्जाते हैं सुकन्या नाम कन्या आसीत। इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या सुकार था सुष्ठ सुंदर, उसका नाम ही सुकन्या था। और कमल लोचना यह परम सुंदरी थी। कमल लोचना कहकर श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदरी थी। तया सार्धम बन गतो ह्य गमत च्यवनाश्रमम। एक बार महाराज जजाति अपनी सेना के साथ, मंत्रियों के साथ और अपनी रानी के साथ वन में गए। उस समय सुकन्या को भी वे साथ न लिए थे। तया सार्धम, तया सुकन्या, सुकन्या के साथ वन गत, वन में गए थे। पहले ही कहा जा चुका कि महाराज शर्याति ब्रह्मिष्ट थे, वेदों के विद्वान थे, अतः यज्ञ करने में इनकी बहुत रुचि थी और राजा थे ही। तो प्रायः वन में ऋषियों के आश्रम में जा करके यज्ञ किया करते थे। वे लोग कराते थे यज्ञ और ये धन आदि खर्च करते थे, और यहाँ तक कि ब्राह्मण का कर्म भी यह करते थे कभी कभी। तो वनगतः, वन में गए थे। तो वन में भ्रमण करते करते, घूमते घूमते एक बार ये च्यवनाश्रमम गतः, च्यवन मुनि के आश्रम पर गए। च्यवन आश्रमम ही अगमत गए। एक विचित्र घटना है। सा सखी परिवृता, वह सुकन्या अपने सखियों के साथ थी, अनेक सखियां थीं। तो सखी भी परिवृता, सखियों से घिरी थी। विचिन्वंती अंघ्रिपान वने, वन में वृक्षों की शोभा देख रही थी। स्वाभाविक बहुत सुंदर वन था, तो वन में अनेक वृक्ष थे, उन वृक्षों को देख रही थी। और विचिन्वंती, कोई फूल फूल कभी तोड़ती थी, कभी कुछ शोभा देखती थी। वन की शोभा देखते हुए घूम रही थी सखियों के साथ। सा सखी भी परिवृता विचिन्वंती अंघ्रिपान वने। अंघ्रिपान जो अपने चरण से पीते हैं, अर्थात वृक्ष, वृक्षों की शोभा को देखते हुए घूम रही थी। तो बल्मीक रंध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी, खद्योते इव ज्योतिषी। घूमते घूमते एक स्थान पर सुकन्या ने अपने सखियों के साथ एक बल्मीक देखा। बल्मीक का अर्थ होता है जहाँ पर दीमक मिट्टी का घर बनाते बनाते ऊंचा कर देते हैं, उसको बल्मीक कहते हैं। गांव के लोग देखे होंगे जहाँ तहाँ गांव में। शहर वाले के लिए तो अब कोई दिखाएगा तब न। सुकन्या ने देखा बल्मीक को। बल्मीक कहते मिट्टी जमा करते करते उस पर घास भी आ जाता है। तो ऐसा था कि उस वन में च्यवन मुनि का आश्रम था। वहाँ च्यवन मुनि जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे, बहुत ही तेजस्वी, बहुत बड़े, तो वे तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान करते करते उनके शरीर पर दीमक मिट्टी जमा कर दिए थे। सारा शरीर ढक गया था मिट्टी से, बल्मीक से। तो बल्मीक के एक जगह छेद था, रंध्र, दो छेद था। वहाँ से उनकी आँखें दिखाई पड़ रही थी, वे चमक रही थी आँखें। खद्योते इव, जैसे दो जुगनू चमके, ऐसे बहुत कम चमक थी लेकिन बड़ा विचित्र। उसने देखा तो सुकन्या ने ये विचार नहीं किया कि कोई आदमी है इसके भीतर। उसने सोचा कि कोई रत्न है, क्या है चमक रहा है। वो जीव नहीं समझी। उसकी सखियाँ भी थी, उनसे कही कि देखो सखी ये क्या चमक रहा है। तो उन लोगों ने भी ये नहीं कहा कि कोई मनुष्य है, उनको जानकारी नहीं थी, या ऋषि है। एक तो सारा शरीर ढक गया था मिट्टी से, इसलिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। पहले के लोग ऐसी तपस्या करते थे, खाना खान पान तो बहुत पहले छोड़ देते थे, केवल सांस लेते थे और एक जगह निश्चल रहने से दीमक धीरे धीरे शरीर पर जमे होते थे, चमड़े को भी वो खा जाते थे, चींटियाँ भी खा जाती थीं और हड्डी भर रह जाती थी, फिर भी प्राण रहता। ऐसे भारी तप करते थे एक जगह पर, इस तरह से बिना पानी पिए, बिना खाए और भगवान का ध्यान करना, इस तरह से तपस्या करते थे। च्यवन ऋषि इतने महान ऋषि थे कि शरीर पर दीमक भर गए, सब जगह दिखाई नहीं पड़ रहे। क्या तपस्या थी पहले की। आज का आदमी तो सोच भी नहीं पाएगा इस बात को कि ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। महाभारत में एक कथा है, एक जाजली ऋषि थे, जाजली जबाल, वो खड़े होकर तपस्या कर रहे थे तो उनके जटा में पक्षियों ने घोंसला बना लिया। वो अलग से तृण लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, घोंसला बनाने के लिए तृण की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके केस में ही घुस घुस करके और लोग अंडा भी दे दिया। अंडा बच्चा बनकर उड़ भी गए, इतना खड़े थे, ऐसे तपस्वी थे। और उनको इस बात के लिए बड़ा अभिमान था, हमारे जटा में पक्षी अंडा दिए और बच्चा पैदा हुआ था। ये कथा है महाभारत में। च्यवन मुनि भी इस तरह से एक सुप्रसिद्ध तपस्वी भृगुवंशी ब्राह्मण थे। तो जब बल्मीक रंध्रे दद्र से खद्योते युवा ज्योतिषी, दो ज्योति देखा, चमक रही थी दो ज्योति। उन लोगों को पता नहीं था कि ये च्यवन ऋषि हैं और च्यवन ऋषि के शरीर पर बल्मीक बना हुआ है, कुछ पता नहीं। तो चेक करने के लिए ते दैव चोदिता बाला, असल में ईश्वर की यह प्रेरणा थी, ईश्वर प्रेरिता बाला। और जितनी भी लड़कियां थी भी बाला थी, बाला का अर्थ 16 वर्ष की लड़कियां थी। इतना विवेक नहीं था, तो खेल खेल में ही स्वाभाविक बाल चपलता के कारण वो लोग देखने लगी। तो सुकन्या ने कांटा से उनको निकालना चाहा, उसको लगा कि कोई रत्न है चमक रहा है, तो कांटा से ऐसे निकालना चाहा। दोनों जो ज्योति दिखाई दे रहे थे उसको निकालना चाहा तो वे कांटे धस गए च्यवन मुनि के आँख में और उधर से बहुत खून बहा। अब ये लड़कियां सब डर गई, वो तो जान गई कि किसी ऋषि का ये नेत्र था और खून बह चला। तो लोग कुछ कही नहीं, राजा शरजाति के भय से कुछ कही नहीं। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि इस तरह से जब अपराध हुआ एक ऋषि का, तो जितने भी पुरुष थे वो गए थे वहाँ पर, सैनिक, राजा शरजाति, चाहे कोई भी, सबका पेशाब और मल रुक गया इस अपराध से। किसी किसी को उस समय पेशाब लगा भी था, लेकिन अब पेशाब लगा है लेकिन उतर नहीं रहा था सबका। ये एक ऋषि का अपराध करने से हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ते दैव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटके नवई अविध्यन मुग्ध भावे न सुश्रावा श्रिक्त तो बस बहु। कांटे से छेद किया उसमें ज्योति में, लेकिन मुग्ध भावे न ये बेचारी लड़कियां ऐसे मुग्ध भाव से, जानकारी नहीं थी, देखना चाहती थी क्या है, कोई रत्न है, चमक रहा है, हीरा है, क्या है। तो सकृन मूत्र निरोधो भूत सैनिका नाम च तत्क्षणात्, तत्क्षणात् जब ही आँख फूटी च्यवन ऋषि जी की और खून बहा, उसी समय सकृत मूत्र निरोध, मल मूत्र का निरोध हो गया। सैनिका नाम च, और पुरुषों का तो हुआ ही, सैनिकों का भी पूरा, जो सेना गए थे साथ में सब, और सब छटपटाने लगे। राजर्षि तमुपालक्ष्य पुरुषान विस्मितो ब्रवीत, राजर्षि शर्याति विस्मित हो गए इस घटना से, और वे विस्मित होकर के, चकित होकर के अपने सभी पुरुषों से पूछने लगे, जो भी उनके साथ गए थे सबसे पूछने लगे। अप्यभद्रम न जुष्माभिर भार्गवस्य विचेष्टितम व्यक्तम केनापि नस्तस्य कृतम आश्रम दूषणम। वे कहते हैं कहीं हमारे आदमियों से भार्गव जी का, च्यवन जी का कोई अपराध तो नहीं हुआ है, किसी ने कुछ यहाँ गलत काम तो नहीं किया। व्यक्तम केनापि नस्तस्य कृतम आश्रम दूषणम, निश्चित ही हम लोगों में से किसी ने इस आश्रम पर आकर के और अपराध किया है निश्चित। अब वो लगे पूछताछ करने सबसे, तुमसे कोई अपराध हुआ, तुमसे कोई अपराध हुआ। गलत जगह पर पेशाब भी कर देना, जहाँ पेशाब करने का जगह नहीं है, वो भी एक अपराध ही होता है। और इसीलिए आज के युग में इतना लोगों को कब्ज होता है, ये कोई ना कोई अपराध है चलता है जो भी हो। तो राजा शर्याति तो परम धार्मिक, तो लगे पूछने सबसे, अगर कोई अपराध हुआ होगा तो उस अपराध का मार्जन किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा, इसलिए पूछताछ करने लगे। अपि अभद्रम न जुष्मा भी भार्गवस्य विचेष्टितम, तुम लोगों में से किसी से भृगुनंदन च्यवन जी के प्रति कोई अभद्र व्यवहार हुआ है, कोई गलत हुआ है। व्यक्तम केनापि नस्तस्य कृतम आश्रम दूषणम, व्यक्त हो गया कि किसी न किसी से इस आश्रम में कोई न कोई अटपटांग काम किया, ये व्यक्त हो गया। व्यक्त कैसे हो गया, लोगों के मल मूत्र निरोध से, और क्या तो व्यक्त था। नहीं तो इस तरह का रोग अकस्मात सबको हो जाए कैसे संभव है, कि कोई न कोई अपराध हुआ है च्यवन ऋषि का, वो इस निर्णय पर पहुंच गए। तो सबसे छानबीन करने लगे, अब कोई बेचारे सभी निरपराध थे, किसी ने कोई अपराध नहीं किया था, अपराध तो इनकी पुत्री ने किया था। तो वो डर रही थी बताने में, लेकिन उसने अपने पिताजी को बताया। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया, सुकन्या ने डरते हुए अपने पिता शर्याति से कहा किंचित माया कृतम, हमारे द्वारा कुछ हो गया है। क्या हो गया है, बोलो बोलो बेटी क्या हुआ। वो महाराज पूछने लगे क्या हुआ, तो कहती है द्वे ज्योतिषी अजानंत्या निर्भिन्ने कंटके नवय, पिताजी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई ऋषि हैं, और मैं जब कंटक से, कांटा से उसको चेक कर रही थी, देख रही थी, पहले चमक रहे थे जो दो ज्योति लाइट जैसा, तो उसको मैंने कंटक से बेधा, तो उसके बाद खून निकल आया। तो जराजा शर्याति कहाँ है, कहाँ है, जरा ले करके चलो। तो वो च्यवन मुनि के ही आँख में कांटा गड़ा और अंधे हो गए थे। तो किसी के आँख में कांटा धंसेगा तो अंधा होगा ही ना, वो अंधे हो गए, खून बहुत निकला। तब महाराज शर्याति दुष्टु तद बचह श्रुत्वा शर्यातिर जात साधोस, महाराज शर्याति जब सुने कि हमारी बेटी ने ऐसा अपराध किया तो बहुत घबरा गए, बहुत घबरा गए। बहुत तेजस्वी ऋषि थे च्यवन जी, तो अभी तो मल मूत्र निरोध हुआ है, आगे क्या क्या अनिष्ट होगा, इनका राज्य जाएगा, शत्रु मारेंगे इन सबको, वो तो अलग होने वाला है। अभी तो ये केवल शुरुआत थी अनिष्ट की। तो बहुत साधु जात सब बहुत घबरा गए और मुनि के पास आकर साष्टांग दंडवत किए और दंडवत करके और प्रसादया मास मुनिम प्रसादया मास बल्मीकांतर हितम सन। वो जान गए कि इस बल्मीक के अंदर च्यवन ऋषि हैं, तो उनको प्रसन्न किए वे किसी तरह समय ही धीरे धीरे बहुत देर तक प्रसन्न किए, विनय किए कि बेचारी मेरी बेटी नहीं जानती थी कि आप मुनि हैं। वो तो दीमक बल्मीक समझ करके उसने कांटे से खोदा, तो अपराध हो गया अनजान में, वो जानती नहीं थी, इसके लिए आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बल्मीक अंतर हितम, बल्मीक के अंदर ही थे और इधर से विनय कर रहे थे शर्याति मुनि। तो बल्मीक के अंदर से ही तद अभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्वहितरम मुने, मुनि के अभिप्राय को जानकर महाराज शर्याति ने मुनि को ही कन्यादान दिया। का अभिप्राय क्या था? श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि मुनि बल्मीक के अंदर से ही पूछे महाराज शर्याति से कि आपकी पुत्री कितने वर्ष की है, तो उन्होंने बताया और फिर पूछे इसका विवाह हो गया है या नहीं हुआ है। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं तो इन्होंने बताया होगा कि नहीं अभी विवाह नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब उनके अभिप्राय को इन शब्दों द्वारा वो समझ गए। बस पहले ही कहा गया कि ते दैव चोदिता बाला, ईश्वर की यह लीला है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऋषि कोई काम के बस में है या ये है। वास्तव में ईश्वर जब जैसा करना चाहता है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति तो होकर के ही रहता है। ईश्वर का विधान था, भगवान इस बात को चाहते थे। अतः च्यवन मुनि के मन में यह इच्छा हुई कि यह कन्या हमें मिले, जबकि च्यवन मुनि के शरीर पर केवल हड्डी भर रह गया था, बल्मीक जमा था, चींटियाँ खा गई थी मांस को और चाम को भी, हिरण्यकश्यप जैसी दशा हो गई थी, खा गई थी। जब प्रकट हुए तो किसी तरह से उनमें चाम था और सारे शरीर में नसें दिखाई दे रहे थे चारों तरफ, न धमनी संतत आगे लिखा गया है, धमनी से भरपूर, और केस में एक भी काला नहीं रह गया था, सब सफ़ेद हो गए थे, पूरा बलित पलित विप्रिय। आगे वर्णन आएगा। सारे केस पक चुके थे और चमड़ा बिल्कुल ढीला हो गया था, नसें ही शरीर में चारों तरफ दिखाई दे रही थी, इतने वृद्ध थे। और इतना वृद्ध होते हुए भी उनकी इच्छा हुई सुकन्या से विवाह करने की। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई उपाय किया च्यवन जी ने सुकन्या को आश्रम पर लाने का, कोई नहीं, सब ईश्वर का विधान था। वो गई आश्रम पर और उसी ने गलती किया और गलती के प्रायश्चित में महाराज शर्याति ने भी कहा प्रणाम करो, ऋषि से क्षमा मांगो, ये करो, किसी तरह कृपा करें, बेचारे ये सैनिक जो आए हैं जी जाए, नहीं तो आज ही सब मर जाएंगे, तो तुम ऋषि को प्रसन्न करो। तो ऋषि प्रसन्न हुए लेकिन बहुत भारी फाइन लगाए। उन्होंने राजा से कहा कि ठीक है मैं सब तरह से माफ़ करता हूँ, सब लोग जी जाएंगे, लेकिन आप अपनी कन्या मुझे दीजिए। महाराज शर्याति चाहते नहीं थे, लेकिन अब सबके जीवन का प्रश्न था, सब मर जाते। और दूसरी बात है कि च्यवन मुनि के अवधूत प्रभाव को जानते थे, अतः उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया उनसे, बड़े आनंद के साथ विवाह किया बाद में, और बेटी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दिया कि पुत्री सब तरह से इनकी सेवा करना, ये सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा सारा मनोभीष्ट पूरा हो जाएगा। और वो चूँकि इतने महान पिता की पुत्री थी तो स्वाभाविक ही पति से प्रेम उसके मन में भरा हुआ था। वो कन्यादान दिए, दहेज दिए, विवाह के सब, और अपनी सेना, अपने रानी आदि के साथ राजधानी चले गए। सुकन्या का विवाह एक वनवासी साधु से हुआ, और वो भी जो खास बल्मीक में बैठ करके जी रहा था, उसके पास संग्रह क्या होगा। एक महाकंगाल के साथ सुकन्या का विवाह हुआ। पर देखिए, यह कन्या पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। पतिव्रताओं का जहाँ नाम आता है तो वहाँ सुकन्या का नाम जरूर आता है। तो सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रीणया मासचित्तज्ञा और प्रमत्तानुवृत्ति भी। सुकन्या का जब विवाह हुआ परम क्रोधी च्यवन मुनि के साथ, तो सुकन्या बहुत गुणवती कन्या थी। यह चित्तज्ञा च्यवन मुनि के, अपने पति के चित्त को जानती थी। इनको कब क्या इच्छा हो रही है, ये क्या चाहते हैं, इसको जान जाती थी बिना कहे। कभी च्यवन मुनि को कहना नहीं पड़ा कि अब जरा पानी दो या पंखा झलो या वहाँ से खड़ा उठा करके दे दो, ये कहना नहीं पड़ा। चित्तज्ञ, चित्त की बात जानने वाले थे। अप्रमत्ता, कभी प्रमाद में नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कभी च्यवन मुनि इसको ऐसे पकड़ने की जम्हा रही हो, कुर्सी पर बैठ करके झपकी आ रही हो या सो गई हो, नहीं, बिल्कुल सावधान थे। अप्रमत्ता अनुवृत्ति भी प्रणयामास, च्यवन मुनि के मन में जो संकल्प होता था उसके अनुसार इसका व्यवहार था और तुरंत पूरा करते थे। और इस तरह से अपने कर्तव्य से, पति की सेवा से इसने च्यवन मुनि को पूर्णतः प्रसन्न कर लिया। प्रणयामास, प्रसन्न कर लिया। सुखदेव गोस्वामी एक तरफ तो कहते हैं परम कोपनम च्यवनम पतिम प्राप्य, परम क्रोधी च्यवन मुनि को पति रूप में पाया, पर ऐसे पति को भी सेवा से प्रसन्न कर लिया। यह विशेषता है पतिव्रता स्त्री, बिल्कुल प्रसन्न कर लिया। और वो रहने लगी, उसने वो एक राजा की पुत्री थी, शर्याति महाराज की, परंतु पति के प्रति कभी ऐसा अभिमान नहीं हुआ कि मैं इनसे बढ़ करके हूँ, मैं राजा की बेटी हूँ, मैं आराम से रहूँगी, आराम से खाऊँगी, और आपको भजन करना है, मरना है, मरिए, हम क्यों ऐसे रहे। आजकल की स्त्री तो ऐसे भी कह सकती है, आपको मंगल आरती में उठ कर मरना हो, जाइए मरिए, हमको सोने दीजिए। इस तरह की नालायक स्त्रियाँ होती हैं इस युग में, किसी काम की नहीं। पति की सेवा करने में ही स्त्री का उत्कर्ष है, यही उसका धर्म है, ये शास्त्र कहता है। तो पति मिले हैं एक नंबर के क्रोधी, और वह भी एकदम बूढ़ा पति, जिसकी केवल नसें दिखाई दे रही हैं, बाल पका हुआ, सिर हिल रहा है, काँप रहा था। तो उस दशा में भी उनको स्त्री की कामना हो गई। ये भगवान की इच्छा थी। तो विवाह हुआ, पतिव्रता सुकन्या सारा अहंकार छोड़ करके, आलस्य छोड़ करके, अपने पति के मनोवृत्ति को देख करके उसने सेवा किया। अपने अनुसार सेवा नहीं, पति की इच्छा देखकर, उनके संकल्प के अनुसार सेवा की। ऐसा नहीं कि एक नियम है, भाई सवेरे यहाँ इनको पानी दे देना चाहिए, ये दे देना चाहिए, ऐसा नहीं। उनकी जो इच्छा है, जैसे है, उसको उसने पूरा किया। यही है स्त्री का धर्म। इस एक धर्म के पालन से स्त्री इस लोक में भी जस पाती है और दूसरे जन्म में तो सुखी रहेगी, उसे स्वर्ग मिलेगा या वैकुंठ भी मिल सकता है अगर वो पतिव्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में पतिव्रता स्त्रियों के धर्म बताए गए हैं। हम लोग जब कभी कभी स्त्री के धर्म का वर्णन करते हैं तो कोई कोई स्त्रियां लड़ जाती हैं कि पुरुषों के धर्म आप क्यों नहीं बता रहे हैं, तो तुमको क्या ज़रूरत है पुरुष के धर्म की, तुम अपना धर्म तो सीखो ना भाई। जिसका धर्म सिखाया जा रहा हो उसको प्रसन्न होना चाहिए भाई, हमारा धर्म सिखाया जा रहा है। और दूसरे का धर्म जब अवसर आएगा सिखाया जाएगा। लेकिन आजकल के लोग रंज होते हैं अगर उनके कर्तव्य को सिखाया जाए। एक श्लोक में कहा गया है संस्कृत के, उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धन। यदि मूर्खों को उपदेश दिया जाता है तुम ये करो ये ना करो तो उनका क्रोध बढ़ता है उपदेश करने वाले पर। ये नीति है समान उनका, और क्रोध बढ़ता है। न शांत है, शांत नहीं होते हैं, सुखी नहीं होते बल्कि क्रोधी होते। जैसे सांप को यदि दूध पिलाया जाए तो ऐसा नहीं कि दूध है पयहारी बाबा जैसा शांत स्वभाव हो जाए सांप का, उस दूध पी करके भी और विषवर्धन होता है उसका और दूसरों को डसता रहता है। यही हालत मूर्खों की। एक सत्य इतिहास द्वारा मनुष्य जाति को ये सब शिक्षाएं दी जाती हैं, ऐसे होना चाहिए। सुकन्या का चरित्र इसीलिए यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्त्रियों को, पत्नियों को अपने धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। पति ठीक विपरीत मिला है, लड़की बिल्कुल युवती है 16 वर्ष की और पति अब तो उसको कई 100 वर्ष पार कर चुके हैं, बहुत बूढ़े थे वे और स्वभाव भी बहुत ठंडा नहीं था, बहुत क्रोधी थे। लेकिन सुकन्या का ऐसा विलक्षण स्वभाव था, वो धर्म सेवा करने में तत्पर थी, कभी क्रोध नहीं किए और उसने प्रसन्न कर लिया उनको। कस्यचित् तत्कालस्य नासतौ आश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच बचो में दत्तम ईश्वरौ। एक बार की बात है, च्यवन मुनि के आश्रम पर कुछ काल बीतने के बाद दोनों अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार देवता हैं लेकिन देवराज इंद्र और सब देवता इनको अपने पंक्ति में भोजन नहीं करने देते थे। कोई यज्ञ होता था तो यज्ञ में अगर उनको हिस्सा दिया जाता था तो उनके साथ इनको यज्ञ भाग नहीं दिया जाता था, जबकि वो श्रेष्ठ देवता है। फिर भी क्यों नहीं दिया जाता था? चूँकि दोनों वैद्य थे, डॉक्टर थे। डॉक्टर का अन्न बहुत अशुद्ध माना जाता है और उन लोगों को हीन समझा जाता है, इसीलिए और देवता लोग इनको अपने लाइन में नहीं बैठने देते थे। इतने बड़े देवता हैं, भीषकतम सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर हैं देवलोक में, जो मस्तक काट करके भी जोड़ सकते हैं। कई बार ऐसा इन्होंने किया। ऐसे डॉक्टर इस समय सुनने को भी कोई नहीं मिल सकता है, पर इस स्वर्ग में ऐसे डॉक्टर तो इनका काम है दवाई देना, चिकित्सा करना है करना, तो इसीलिए इनको हीन समझकर देवता लोग अपने पंक्ति में नहीं बैठने देते थे, भोजन नहीं करने देते थे, जगह भाग मिलता नहीं था। ये दोनों देवता च्यवन ऋषि के प्रताप की कथा सुने कि च्यवन ऋषि ऐसे हैं, तो उनको ये आशा हो गई कि यदि हम च्यवन ऋषि से पैरवी करेंगे तो च्यवन ऋषि हम लोगों को देवताओं के मध्य जगह भाग दे सकते हैं, इसी आशा से आए थे। लेकिन दोनों आए तो अपनी इच्छा को कोई प्रकट नहीं किए। दोनों के आने पर च्यवन मुनि ने उनकी पूजा किया, उनका सम्मान किया, अच्छा आसन दिया। तो सबसे पहले च्यवन मुनि ने ही कहा तो पूजयित्वा प्रोवाच वयो में दत्तम ईश्वरम, ईश्वर आप दोनों ईश्वर हैं, श्रेष्ठ है, सद्वैद्य है। इसका मतलब यह हुआ कि आप दोनों ईश्वर हैं, सद्वैद्य हैं। अरे जो मरे हुए को जिला सकता है तो ईश्वर नहीं तो क्या है। डॉक्टर भी ईश्वर ही हैं, अगर वो ठीक ठीक चिकित्सा करे और पैसा न ले तो वो भगवान ही है। एक प्रकार से अगर रोग दूर कर दे और व्यक्ति जी जाए तो वो एक ईश्वर ही है। तो च्यवन ऋषि सनत कुमार दोनों भाइयों को, जो देवताओं के फिजिशियन हैं, उनसे कहते हैं ईश्वर आप दोनों ईश्वर हैं, मैं वयम दत्तम मुझे जवानी दीजिए, मुझे युवावस्था दीजिए। जब स्वर्ग से वैद्य आए हैं तो किसको इच्छा नहीं हो जाएगी। च्यवन मुनि बूढ़े थे, उनकी इच्छा हुई इनको देख करके हे ईश्वर मैं वयः दत्तम, दो वचन में है इसलिए दत्तम शब्द, हमको आप जवानी दीजिए। च्यवन मुनि ने उनके लिए फीस भी निर्धारित कर दिया। ग्रहम गृहीष्ये सोमस्य जगे वामप्य सोमपो, मैं आप दोनों को समस्त देवताओं के पंक्ति में बैठाकर आपको यज्ञ भाग दूंगा, सोम यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ का भाग आप लोगों को मैं दूंगा। च्यवन ऋषि की ये शक्ति थी। लेकिन आप लोग कृपा करके हमको जवानी दीजिए और सुंदरता दीजिए। क्रियता में वयो रूपम प्रमदा नाम जदीप्सितम, आप हमको इतना सुंदर बनाइए, इतना सुंदर हमको बनाइए और युवक बनाइए कि जिससे कि प्रमदाओं का चित्त हमारे तरफ आकृष्ट हो, कोई भी सुंदरी से सुंदरी स्त्री हमको देख करके मोहित हो जाए। या जो रूप है जवानी और सौंदर्य युवती स्त्रियों को प्रिय होता है वो हमको दीजिए। प्रमदा नाम जद इप्सितम तद वयः दत्तम क्रियतम, क्रियतम में वयो रूपम मुझे जवानी दीजिए और मुझे सुंदरता दीजिए। प्रमदा नाम जदीप्सितम, जिसकी इच्छा प्रमदाएँ किया करती हैं। तो इतने दुर्लभ देवता आए हैं, सबसे बड़े फिजिशियन स्वर्ग लोक के, तो उससे जवानी चाहते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि इनको यज्ञ भाग नहीं मिलता है तो मैं इनको यज्ञ भाग दिला करके रहूँगा। वे इनको जवानी दे, वो उनको वो यज्ञ भाग देंगे। तो यह सुनकर दोनों अश्विनी कुमार बोले वाढ़म, ठीक है आपकी बात स्वीकार है, इति उचतुर विप्रम अभिनंद भिषक्तम। ये दोनों वैद्य शिरोमणि हैं, इन्होंने तत्काल ही सिद्ध जड़ी बूटियों से एक रसायन बनाया, कई जड़ी बूटी मिला करके रसायन बनाया और एक कुंड जैसा, छोटा सा कुंड जैसा बनाया रसायन। और इन दोनों ने कहा कि हम आपको तत्काल युवक बना देते हैं और सुंदरता देते हैं। तो हरदम प्रवेश निमज्जताम भवान अस्मिन हृदय सिद्ध विनिर्मित, आप इस हृदय में, इस कुंड में स्नान कीजिए। दोनों वैद्य शिरोमणियों का बनाया हुआ रस था। केवल स्नान करने मात्र से च्यवन ऋषि युवक हो जाएंगे और परम सुंदर। तो आप उन दोनों ने, अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप इसमें स्नान कीजिए। निमज्जताम भवान अस्मिन हृदय, इस हृदय में आप स्नान कीजिए। स्नान करने का थोड़ा डूबिए, थोड़ा डूबिए कुछ देर तक में, एक दो मिनट, जब तक सांस फूल न जाए तब तक आप डूबिए। भितो लोक नमस्कृत मुनि जत्वं जराग्रस्तम सत्य सम्मतं विहाय जारं भजसे मुमध्वगम। अरे अरे असत्य सबसे पहले उन्होंने संबोधन किया। अरि कुल्टा अरि असत्य ते इदं किम चिकित्सितम, तुमने ये क्या किया। सारा लोक जिनको प्रणाम करता है, जो लोक द्वारा प्रशंसित हैं, जो भृगु वंश में उत्पन्न हैं, महान मुनि हैं, उनको तुमने वंचित किया, उनको धोखा दिया क्या। और उनको धोखा तुमने इसलिए दिया कि जरा ग्रस्तम, वे बुढ़ापा से ग्रस्त थे और तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं थे। अरे असत्य, ऐसे महान ऋषि को छोड़ करके तुम इस जार के साथ रहने लगी, इस जार पुरुष के साथ, इस लंपट के साथ जो रास्ता चलने वाला है, आज किसी स्त्री से प्रेम करेगा, कल किसी से करेगा, ऐसे लंपट व्यक्ति से तुमने प्रेम किया। छी तुमने ये क्या किया। चिकीर्षितम ते किमिदम पतिस्तोया प्रलंभितो, प्रलंभित कार से वंचित, तुमने पति को धोखा दिया। जानते हो कैसे पति को तुमने धोखा दिया। लोक नमस्कृत, सब लोग जिसको प्रणाम करते हैं और जो मुनि हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसे ऋषि को तुमने तिरस्कृत किया। और ऐसे महान ऋषि को, पति को छोड़ करके तुम रास्ता चलने वाले इस लंपट पुरुष का भजन कर रही हो, इससे प्रेम कर रही हो। असत्य। फिर शोक में कहने लगे, कथम मतिस्तेव गता अन्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम तिदम। अरे तुमको ये ध्यान नहीं रहा कि तुम किस वंश में उत्पन्न हुई हो। सताम कुले प्रसूता, सज्जनों के, संतों के, महान भगवत भक्तों के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। सताम कुल प्रसूते, सज्जनों के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। और इस उत्कृष्ट वंश में जन्म लेकर के तुमने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। कुल दूषण तु इदम, यह कुल दूषण काम किया। विभर्षि जारम जदपत्र पाक कुलम पितुश्च भर्तुश्च नयश्च धस्तम। तुम ऐसे पति को छोड़ करके और इस जार पुरुष को धारण कर रही हो। और अरे निर्लज्जे, तुमने अपने पिता के कुल को और पति के कुल, दोनों कुल को नरक में भेज दिया। पितुः कुलम और भर्तुश्च कुलम अधः नयसि, अधस्तमः नयसि। नरक नीचे है, इस पृथ्वी से दक्षिण दिशा में नीचे है, और वहाँ केवल अंधकार रहता है। नरक, नरक में बिजली की कोई ज़रूरत भी नहीं है, न व्यवस्था है, क्योंकि पापियों को वहाँ दंड देने के लिए ले जाते हैं। तो वहाँ पर ये सब कोई लाइटिंग ये सब कुछ नहीं होता है। जब पापियों को किसी आग में जलाया जाता है तो उसी समय थोड़ा थोड़ा प्रकाश आग जलने से होता है नरक में। तो कोई दीपक, लालटेन, टार्च कुछ नहीं है, केवल पापियों को मारना है, जलाना, काटना, हाहाकार सुनाई पड़ता है समझो, लेकिन केवल अंधकार भरा रहता है। इसलिए नरक को तमह कहा गया है। तो महाराज शर्याति कह रहे हैं कि तुम अपने पिता के कुल को और पति के कुल को भी नरक में पटक दो, ले जाओगी। इस तरह का व्यवहार तुमने। बात तो वो नहीं थी, वास्तव में परम पतिव्रता थे। इस प्रकार पिताजी जब बोल रहे थे, एवं ब्रुवाणम पितरम स्मय माना सुचि स्मिता। सुकन्या उस समय भी गर्व से थी और उसके पिता की बात सुन करके भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, क्योंकि स्वाभाविक ही चित्त की प्रसन्नता उसके मुख पर आ रही थी। ऐसी नहीं थी कि वह अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करें। तो पिताजी बोल रहे थे तो जानते थे कि पिताजी को मालूम नहीं है, इसी से इतना आक्षेप कर रहे हैं। तो एक ही श्लोक में आप देखिए, सुखदेव जी कह रहे हैं स्मय माना और शुचिस्मिता। शुचिस्मिता का अर्थ है अत्यंत पवित्र, सुख की मुस्कान थी उसके चेहरे पर। पिता की बात से दुखी नहीं हुई, क्योंकि जानते थे पिताजी नहीं जानते हैं, जो जानेंगे कि हमारे पति ही युवक हो गए हैं तब तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो उसने कहा हंसते हुए, वाच ताता, हे पिताजी, जामाता तवैस भृगुनंदन, ये जो है वही भृगुनंदन ही आपके जामाता ही इस रूप में हुए। तब ससंस पितरे तत्सर्वम वयोरूपाविलंबनम, सुकन्या ने सारी कथा सुनाया कि हमारे पतिदेव किस प्रकार अश्विनी कुमारों की कृपा से यौवन प्राप्त किए हैं और सुंदरता प्राप्त किए हैं। सारी कथा सुना दी। विस्मिता परम प्रीता, तो महाराज शर्याति बहुत विस्मित हुए और परम प्रीता बहुत प्रसन्न हुए। तब तनयाम परिसस्वज, तब अपनी पुत्री को गले से लगाए, कालिंगन की, सिर सूंघने लगे और अब धन्यवाद देने लगे, धन्य हो पुत्री, तुमने अपने पति का और पिता के कुल का गौरव बढ़ा दिया। ऐसे जरूर कहे होंगे, पहले नहीं जानते थे तो फिर। अब जमाता को भी गले से लगाए, जमाता को दामाद कहते हैं हिंदी में। इस तरह से सुकन्या का चरित्र है जिसने अपने पतिव्रत के बल से च्यवन मुनि को यौवन प्राप्ति कराया और सुंदर बनाया। तो इस प्रसंग में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। पहले के युग में शिक्षा देनी नहीं पड़ती थी, कथा सुन करके लोग अपने आप सीख जाते थे। लेकिन आज के युग में कुछ फिलॉसफी बिहाइंड दिस स्टोरी ऐसे लोग कहते हैं, इस कथा के पीछे कुछ संदेश है, कुछ सिद्धांत है। तो आज के लोगों को कुछ खोल कर कहना पड़ता है, भाई क्या फिलॉसफी है, क्या कोई बाकी रह गया कहना बताइए, किसी स्त्री के लिए कोई फिलॉसफी बाकी रह गई इसमें? अरे पति चाहे जैसा भी हो, भगवान की कृपा से मिला है तो विवाह हो गया, तो अब पति ही सबसे गुणवान है, सबसे महान है, ये मानना चाहिए। वो भले कम पढ़ा लिखा हो या आयु में ज़्यादा हो, वृद्ध हो, फिर भी पत्नी का कर्तव्य है कि उसी से प्रेम करे। उससे प्रेम करने से उसको सब कुछ मिलेगा। और यदि कोई स्त्री अपने पति को वंचित करके और दूसरे पुरुष से प्रेम करती है तो वह पिता के सारे कुल को और पति के कुल को भी नरक में पटकेगी और स्वयं गिरेगी। ये निश्चित इन सब बातों से प्रकट हो रहा है। च्यवन मुनि एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनके पास प्रकट कुछ नहीं था, पर यह था कि वे वेदों के पारदर्शी विद्वान थे और जो यज्ञ भाग दे सकते हैं अश्विनी कुमारों को, तो इसी से समझना चाहिए कितने बड़ी शक्ति उनमें थी। पर फिर भी बाहर की दृष्टि से वृद्ध थे। ऐसे वृद्ध पुरुष से सुकन्या को कोई शारीरिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने इसकी परवाह नहीं किया। जब पिता ने कन्यादान कर दिया, विवाह हो गया, तो अब उसे शारीरिक सुख की अभिलाषा नहीं थी, वो तो केवल सेवा के सुख में मग्न रहते थे। और सदा सावधान रह करके, आलस छोड़ करके, पति में दोष दृष्टि छोड़ करके और उनकी सेवा कर रहे थे। देखिए, अंततः एक दिन सबको बूढ़ा होना है ना? कोई ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़ा होने से बच जाएगा। बचेगा ये कहीं हालत में कि बूढ़ा होने से पहले ही मृत्यु मार कर ले जाएगी तो बच जाएगा, उसी हालत में बचेगा। लेकिन अगर जीवित रहा ढंग से तो बूढ़ा होना ही है। तो बूढ़ा होने पर उम्र के परिणाम के साथ साथ मनुष्य को अपनी चेतना में बदलाव नहीं लाना चाहिए, कुछ संबंधों के प्रति, खास करके स्त्री पुरुष के संबंध के प्रति। पुरुष को भी बहुत प्रसन्न रहना चाहिए अपनी पत्नी से, और पत्नी को तो पति के अलावा कोई दूसरा इष्टदेव है ही नहीं वास्तव में। उसको प्रसन्न रखना, उसी को प्रसन्न रखने से सेवा से उसको सब कुछ मिलता है। ऐसा अनुसुईया जी ने माता सीता जी को बताया है रामचरितमानस में एक प्रसंग में। और पति का तिरस्कार करने वाली स्त्री की बहुत निंदा की है। पतिवंशक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलप सत परई। जो स्त्री अपने पति को वंचित करती है, धोखा देती है और दूसरे पुरुष के साथ रति करती है, तो वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। एक कल्प कई करोड़ों वर्ष का होता है, तो 100 कल्प तक नरक में वास मिलता है। और ये नरक आदि सब सत्य है। आजकल के तो लोग सोचते हैं कि हम नहीं मानेंगे इसलिए नरक खत्म हो जाएगा। हमारे मानना न मानना दूसरी बात है, नरक तो है ही, भोगना पड़ता है। जैसे शर्यति महाराज स्वयं ही कहते हैं कि तुम अपने पति को धोखा दे करके और इस राहगीर रास्ता चलने वाले जार पुरुष के साथ रह रही हो, तो तुम अपने पति के कुल को और पिता के कुल को, दोनों कुल को नरक में भेज। तो एक स्त्री का संबंध दो परिवार से रहता ही है, पिता के कुल से और पति के कुल से। स्त्री आधार है वास्तव में मानव जाति का। अगर वह शुद्ध है, वह सुशीला है, शुद्ध है, सदाचारिणी है, तो अपने आप जनरेशन के जनरेशन शुद्ध रहेंगे, सदाचारी रहेंगे, भगवान के भक्त रहेंगे, वो आधार है। लेकिन अगर स्त्री अपने पति से प्रेम छोड़ दे, दूसरे से करे, तो सब कुछ बिगड़ जाता है, लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है। तो महाराज शर्यति के इस उद्गार से शिक्षा मिलती। कुछ भी हो, जैसे आपने देखा कि 3 पुरुष निकले सिद्ध रस से, हृदय से, फिर भी सुकन्या पूछ रही है कि आप कृपा करके बताइए हमारे पति कौन हैं, उनको बताइए आप, मैं दोनों अश्विनी कुमारों की शरण में हूँ। उस समय भी उसका मति डाइवर्ट नहीं हुआ कि तीनों तो एक ही समान हैं, अतः किसी से भी हम प्रेम करें, नहीं, ऐसा नहीं है। उस दशा में भी अपने पति पर ही उसका ध्यान रहा। चाहे पति वृद्ध थे, तब भी वो उनको प्राण के समान मान करके सेवा की। और पति युवक हुए, उस समय भी वो अपने पति पर ही दृढ़ रहे, दूसरे पर नहीं। चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, बोलने में प्रवीण हो, या चिटिंगबाज हो, गुंडा हो, कुछ भी हो, क्यों कोई पत्नी उससे बात करेगी? आजकल एक बहुत भारी पापपूर्ण प्रवृत्ति मनुष्यों की होती जा रही है कि कभी कभी अपनी पत्नी को दूसरे फ्रेंड के साथ कहते हैं रहने के लिए, थोड़ा बात करो इससे, पार्टी में चलो, ये करो, वो करो। इस तरह के गिरे हुए पति कि ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होगा? कुछ लोग चाहते हैं कि लोग देखें कि हमारी पत्नी भी चालू है, मतलब तेज है, पढ़ी लिखी है, और लोग देखें, इसे मिलें। ये घर में ही पड़ी रहती है और प्राचीन संस्कृति मांगती है, ऐसा ठीक नहीं। कई बार ऐसे हम लोगों के सामने लोग आते हैं और कहते हैं, तो ऐसा नहीं चाहिए। पिता देख लिया कि हमारी पुत्री दूसरे पुरुष के साथ है, तो कितनी घृणा हुई, जबकि वो उनके ही दामाद थे, उनको बाद में पता चला। इस तरह से चाहे वो मित्र हो, चाहे कुछ भी हो, मित्र है, दूसरे संबंध में मित्र है। ऐसा नहीं कि पत्नी उसके साथ बात करे हंस हंस करके, और वो बोका पति देख रहा है, यहाँ उससे बात कर रही हो, और बात करते करते कभी कहीं चल देंगे। इस तरह की घटनाएं संसार में होती रहती हैं। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड है और जगह का फ्रेंड, पत्नी का वो फ्रेंड नहीं है, हमारा फ्रेंड है, ऐसे मानना चाहिए। कभी भी बातचीत नहीं होने देना चाहिए। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राज छूटा जा रहा है और नहीं बात करेंगे तो बिगड़ जाएगा। और जो भी बात भी करना है तो पति के सामने, डायरेक्ट सामने हो, और 1-2 बात कर सके। तो ये सिस्टम है, सदाचार है, वैदिक स्टैंडर्ड है, यही इस प्रसंग से हम लोगों को सीखना चाहिए। और धन्य है वह कन्या जो अपने पति की इस तरह से सेवा की, इसीलिए आज उसका नाम अजर अमर है वैदिक इतिहास में। सुकन्या जैसे अनुसुईया है और सावित्री, अरुंधति, सीता आदि, ऐसे पतिव्रताओं के लिस्ट में सुकन्या का नाम आता। नाम लेने से ही आदमी में पवित्रता आ जाती है। ऐसी कन्या जो अपने पति से इस तरह से प्रेम की और अपने पिता का नाम रोशन किया, महाराज मनु के वंश में उत्पन्न हुई है। मनु के पुत्र शर्याति और शर्याति की कन्या। और शर्याति महाराज कह रहे हैं कि कैसे तुम्हारी मति ऐसी हो गई, तुम्हारी मति अन्यथा कैसे हो, कैसे उल्टी हो गई, तुमने कैसे अपने पति को त्यागने का संकल्प किया। वह आश्चर्य कर रहे हैं, जबकि उनकी बातें केवल कल्पना ही है, उसमें कोई दम नहीं था। सुकन्या की मति कभी भी अन्यथा नहीं हुई है, अपने पति में ही अविचल है। तो इस प्रकार इस प्रसंग में यह एक प्रेरणा मिलती है और बुद्धिमान व्यक्ति को इसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इन सब बातों को सीखकर चलने से ही जीवन में सुख मिलता है, शांति मिलती है और इसके साथ ही साथ परम गति भी मिलती है। तो आगे की कथा सुनिए। तो च्यवन मुनि ने यज्ञ कराया महाराज शर्याति से। शर्याति महाराज राजा थे, इसलिए यज्ञ के लिए सामान जुटाना आदि कोई कठिन काम नहीं था। बहुत सामग्रियाँ जुटी और यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में सबसे बड़े होता या आचार्य च्यवन ऋषि थे। तो यज्ञ में उनको भाग दिया गया, अश्विनी कुमारों को। सोमेन याजयन वीरा ग्रहम सोमस्य चाग्रहित वीरम। महाराज शर्याति को जजमान बनाकर च्यवन ऋषि ने उनसे यज्ञ कराया और सोम रस के अनधिकारी होते हुए भी अश्विनी कुमारों को सोम रस दिया अपने तेज से च्यवन ऋषि ने। जब वो सोम रस पीने के अधिकारी हो गए यज्ञ भाग ग्रहण करने के, तो इंद्र महाराज शर्याति का वध करना चाहते थे। हंतुम तमा ददे वज्रम, वो महाराज शर्याति का वध करने के लिए इंद्र वज्र ले लिए, क्योंकि सद्यो मनु अमर सीता। इंद्र का स्वभाव है तत्काल क्रोधित हो जाते हैं, सह नहीं पाते, उनमें सहन शक्ति नहीं है। तत्काल क्रोधित होकर वज्र उठा लिए शर्याति को मारने के लिए। लेकिन च्यवन मुनि भार्गव भृगुवंशी च्यवन जी, उनके वज्र को बिल्कुल स्तंभित कर दी और भुजा को भी। भुजा में तनिक शक्ति नहीं रह गई और वज्र भी चलाने पर कुंठित हो गया, नहीं चला। हाथ में भी दम नहीं रहा और वज्र भी फेल कर गया। ये था च्यवन ऋषि का बल, तेज, तो नहीं मार पाए। तो उसी समय से आज तक अश्विनी कुमार यज्ञ भाग में रह लेते हैं और सारे देवता अनुमोदन किए अश्विनी कुमारों का। सब देवता और इंद्र भी, सब लोग स्वीकार किए, ठीक है यज्ञ भाग लेंगे। भीष्जोति जत पूर्वम सुमा होत्या बहिष्कृतम, देवता लोग सब स्वीकार किए। लेकिन पहले देवताओं का वैध होने के कारण ये लोग देवताओं के लाइन में नहीं खा सकते थे। तो आज के युग में अगर कहा जाए कि आज के डॉक्टर और ज़्यादा अधम हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो पहले के तो वैद्य पैसा नहीं लेते थे, ऐसे चिकित्सा करते थे, फिर भी उनको कुछ हीन कहा गया। और जो हैवी पैसा ले लेकर के दवा देते हैं, उनकी क्या गति होगी। आजकल लोगों ने पढ़ाई और दवाई दो चीज़ बहुत महंगा कर दिया। पढ़ाई, छोटे छोटे बच्चों को सताते हैं, उनसे इतना बड़ा फीस लेना, ये लेना, उनको तो फ्री शिक्षा देनी चाहिए। पहले के लोग फ्री शिक्षा देते थे, लेकिन इस समय पढ़ाई है बहुत भारी व्यापार हो गया, बहुत बड़ा व्यापार। और दवाई, डॉक्टर, अस्पताल खोलो और चिकित्सा करो, ठीक है करे, लेकिन कम से कम नफा लेना चाहिए अपना काम चलाने में। नहीं तो ये डॉक्टर सारे नरक के ही कैंडिडेट हैं वास्तव में, इनको तो जाना ही है घोर नरक। ऐसे पैसा कमा करके भले कुछ रख लें, लेकिन जो दुर्गति होगी वो तो। लेकिन वे डॉक्टर स्वर्ग जाएंगे जो बहुत काम भर पैसा लेते हैं और शरीर से मन से मेहनत करते हैं रोगी को ठीक करने के लिए, वो तो स्वर्ग जाएंगे। तो इस प्रकार अश्विनी कुमारों को उन्होंने यज्ञ भाग दिलाया। इनके 3 पुत्र थे। अब सुनिए, कल जैसा बहुत वंश विस्तार नहीं है। उत्तान बरही आनर्त भूरिसेण इति त्रय शर्यातिर भवन पुत्रा। शर्याति महाराज के 3 पुत्र हुए, आनर्त, उत्तान बरही, आनर्त और भूरिसेण। आनर्त के पुत्र हुए रेवत। रेवत समुद्र के अंदर कुशस्थली नामक नगरी बसाए, द्वारका नामक नगरी बसाए। जैसे द्वारका नाम तो भगवान कृष्ण ने फिर से बसाया उसको, लेकिन पहले रेवत महाराज ने उसको बसाया था। तो मनु के पुत्र शर्याति, शर्याति के पुत्र हुए आनर्त, आनर्त के रेवत, और रेवत के 100 पुत्र हुए। ककुद्मी ज्येष्ठम, जिसमें ज्येष्ठ थे ककुद्मी। तो ककुद्मी की एक कन्या थी जिसका नाम था रेवती। तो ककुद्मी जी एक बार द्वारका से ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास। कन्या बरम परिप्रष्टु ब्रह्मलोकम अपावृतम। उस समय ब्रह्मलोक ऐसे लोगों के लिए, ककुद्मी जी जैसे चले गए ऐसे लोगों के लिए खुला था, बेरोक टोक कोई जा सकता था, कोई बाईवान से जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर संकल्प किए कि मैं ब्रह्मलोक जाऊं तो जा सकते थे, ये शक्ति थी। तो अपनी पुत्री को लेकर ककुद्मी ब्रह्मलोक गए अपनी कन्या का वर पूछने के लिए, किसके साथ इसका विवाह करूँ, ये पूछने गए। कुछ लोगों को अपने मन में रखे थे, इससे करें कि इससे करें कि उससे करें। ब्रह्मा जी से ही डायरेक्ट पूछने गए, मैं किससे विवाह करूं। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर आवर्त माने गांधर्व सितो अलब्ध क्षण। ब्रह्मा जी भगवान के भजन में थे, कीर्तन हो रहा था, पद गान हो रहा था, और ब्रह्मा जी उसमें बैठे थे। भगवान का भजन हो रहा है, मन लगा हुआ है, और ये गए पूछने के लिए। तो सब लोग जब भजन में थे, कीर्तन में थे, तो ये भी बैठे रह गए, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ब्रह्मा जी को फुर्सत मिलेगी तो हम पूछेंगे। तो जब उस आयोजन का, फेस्टिवल का अंत हुआ और ब्रह्मा जी उठे, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके, और ककुद्मी जी ने पूछा कि मैं एक पर्पस से आया हूँ, एक प्रयोजन से। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है बैठिए बैठिए, क्या पर्पस है आपका, क्या प्रयोजन है, कैसे आए। तो प्रभु ये हमारी पुत्री है, इसका नाम है रेवती, मैं पूछने आया हूँ कि किसके साथ इसका विवाह करूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, आप जिन जिन लोगों को अपने मन में रखे थे वे सब काल के गाल में चले गए, यहाँ तक कि उनके नाती पौत्र आदि का भी पता नहीं है, नाती पौत्र आदि के नाम तक का पता नहीं, बहुत काल बीत गया। ब्रह्मा जी का एक दिन 14 मनवंतर के बराबर होता है, 1000 सहस्र युग। तो अगर वहाँ के हिसाब से काकुद्मी महाराज एक घंटा भी रुके होंगे तो कितना इधर बीत गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अहो राजन निरुद्धास्ते काले न हृदय कृता, जे हृदय कृता जिनको आप मन में सोचे सके इससे विवाह करें कि इससे करें सब काल के गाल में चले गए, कोई नहीं जीवित है, सब मर गए। पृथ्वी पर बहुत फास्ट घड़ी चलती है, जैसे अगर मान लीजिए एक घंटे की सुई चली इस घंटे से उस घंटे पर, तब तक सेकंड की सुई कई राउंड मारती है, इस तरह का हिसाब है वहाँ का। थोड़ा काल एक घंटा भी यहाँ कई करोड़ वर्ष हो जाएगा, लाखों वर्ष हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहो राजन निरुद्धास्ते काले न हृदय कृता, जिनको आपने मन में सोचा था इस लड़की के वर के रूप में वे सब मर हेरा गए। तत्पुत्र पौत्र नप्त्री नाम गोत्राणी चन सिणम है, उनके अब उनका तो मरण हो ही गया, उनके पुत्र का पौत्र का नाती का यहाँ तक कि सबके नाम का भी पता नहीं है कि कौन क्या था। गोत्र माने नाम, गोत्राणी चन सिणम है, अब नाम तक सुनने को नहीं मिलता है। हम लोग भी देखते हैं कि अब कोई पूछे किसी से आपके बाप का क्या नाम था तो आदमी बता देगा, दादा का नाम हो सकता है वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन अब पर दादा, आठ दादा, 10 दादा कोई पता ही नहीं है कि क्या नाम था, है ना, कुछ नहीं पता है यहीं पर नहीं पता है, फिर वहाँ क्या पता है। तो उनका नाम तक नहीं सुना जाता है। कालो भिजास्व स्त्रीणव, आप जब से चले द्वारका से कुशस्थली से, जब से आप चले हैं कन्या का वर पूछने के लिए, तब से अब तक त्रिणव नतीय 27 चतुर्युग बीत गया, 4 युग 27 बार बीत चुके और यह 28वां चल रहा है। ब्रह्मा जी के कहने का सही था। तो 27 से चतुर्युग बीत गया। तदगच्छ देव देवांशु बलदेव महाबला, अब आप जितना जल्दी जाइए वहाँ पर भगवान के एक अवतार हुए हैं जिनका नाम है बलदेव, बल के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो जाकर कन्या रत्नम इदम राजन नर रत्नाय देवो, इस कन्या रत्न को नर रत्न बलराम जी को दीजिए, जल्दी जाइए। कन्या समस्त कन्याओं में श्रेष्ठ है तो कन्या रत्न है, और समस्त पुरुषों में श्री बलदेव जी श्रेष्ठ हैं तो नर रत्न हुए। भूव भारावताराय भगवान भूत भावना अवतीर्णो निजांसेना पुण्य श्रवण कीर्तन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लिए हैं जीवों के पालन के लिए। तो वही प्रभु अपने अंश से श्री बलराम जी के रूप में हैं, श्री बलराम जी के रूप में पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनके नाम और लीला का श्रवण और कीर्तन करने पर जीव पवित्र हो जाता है, ऐसे प्रभु को एक कन्या दीजिए। इत्यादिष्ट विवंद्य आजम, इतना सुनते ही तुरंत ब्रह्मा जी की वंदना करके निरपह स्वपुरम आगता, राजा ककुद्मी अपने नगर में आए कुशस्थली में, जो त्यक्तम पूर्ण जनत्रासा। जब महाराज काकुद्मी उधर गए थे ब्रह्मलोक में तो इधर यक्षों के त्रास से उनके भाई आदि सब छोड़ करके भाग गए थे कुशस्थल इधर भाग गए थे। तो सुताम दत्वान वद्यांगीम बलाय बलशाली ने तो अपनी पुत्री को दिया, कन्यादान दिया महाराज काकुद्मी ने बलराम जी को, जो अत्यंत बलवान है। और कन्या का विवाह करके इस हेडेक को दूर करके और अपने बद्रिकाश्रम चले गए तपने के लिए चले गए। ये सब घर गृहस्थी का जाल पूरा हुआ। इसके बाद भगवान का भजन करने बद्रिकाश्रम निकल गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री बलराम जी की पत्नी का नाम है रेवती, तो रेवती इसी मनु महाराज के वंश की पुत्री थी। और सरजाति, सरजाति से अनर्थ, अनर्थ से रेवत और रेवत से ककुद्मी। 100 पुत्र हुए रेवत के, जिसमें ककुद्मी ज्येष्ठ थे। तो इस प्रकार श्री बलराम जी का विवाह हुआ। और बलराम जी से विवाह करने के बाद महाराज ककुद्मी भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए बद्री वन चले गए, बद्री नारायण चले गए। पहले के लोग कितने भगवान के भक्त थे, और ब्रह्म लोग गए तो वहाँ का भोग उनको नहीं खींच पाया, वो यहाँ आए और अंत में बद्रिकाश्रम चले गए। ऐसा नहीं कि अब यहाँ से विवाह कर दिए बच्चे का तब चले फिर स्वर्ग में सुख भोगेंगे या ब्रह्मा जी के लोक में भोगेंगे, ये लालसा नहीं रहे। जा तो सकते थे, वहाँ नहीं गए, बद्रिकाश्रम गए भगवान का भजन करने के। तप तुम गत, तप्त होने के लिए गए। तप्त होने मतलब तपस्या करने के लिए गए। बदर याख्यम गतो राजा तब तुम नारायण आश्रमम। अब तो कथा तो आगे भी है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन कल एक भक्त ने हमको कहा था, आयोजक भक्त ने, कि क्या महाराज आप कभी कोई प्रश्न का भी अवसर दे सकते हैं। तो हम समझते हैं कि 10-15 मिनट अभी टाइम है, आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न उचित होना चाहिए।